कर्मयोग जया जया जयासी च कर्मण्यस्ते माता बुद्धि जनार्दन। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म में श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावना मृत। कभी कभी कृष्ण भावना मृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसे शांत धारणा वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावना मृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अब वो जनता को केवल सशस्ति प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन भी कृष्ण भावना मृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना भवित कृष्ण भावना मृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से भी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण के से सर्वोच्चतम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोद्धा अर्थात कृष्ण भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। पिछले अध्याय में भगवद्गीता के कर्म के रूप में सांख्य योग बुद्धि योग बुद्धि द्वारा इंद्रिया निग्रह निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने वाला समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चतुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि किसने भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धियोग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना मृत्यु में कार्य करते हैं, जैसा कि तृतीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी किसने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना मृत्यु के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से प्रश्न किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख पद्धति द्वारा में कृष्ण भावना भगत में ही प्रत्येक वस्तु इसका भी उल्लेख भगवद्गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के विभिन्न संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावना मृत्यु तक पहुँचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना मृत्यु में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध छोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावना मृत्यु